हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल इजर्नर्स। यहां पर आपको सारी की सारी बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम की कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मिल जाएंगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि इस सेमेस्टर और अपकमिंग सेमेस्टर में भी आपकी हेल्प हो सके। फिर हमारा सेक्शन 16, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है कि हम दूसरी पार्टी पे पढ़ के बता देती हूँ मैं। A contract is said to be induced by undue influence where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of the other and uses that position to obtain an unfair advantage over the other. कि जो भी parties हैं agreement में आ रही है वो ऐसे relation में हैं जिसमें उस दोनों कोई भी पार्टी है उसके पास ये पोजीशन है कि वो डोमिनेट कर सकती है दूसरे की विल को, ठीक है। तो वो वहाँ पे और उस विल को, वो जो डोमिनेटिंग विल है उसको वो अपने एडवांटेज के लिए यूज़ कर रहा है, तो वो हमारा अंडर इन्फ्लुएंस है। लाइक एग्जांपल केसेस देख लो कि जो बच्चे होते हैं, बच्चे क्या करते हैं, मम्मी पापा को इन्फ्लुएंस करके उन पर समझा बुझा के उनसे अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेते हैं, तो वो हमारा अंडर इन्फ्लुएंस है। वहाँ पे वो क्या कर रहा है, वो उस डोमिनेंस विल वाली पोजीशन पे है, उसके पास वो डोमिनेटिंग विल वाली पोजीशन है, डोमिनेटिंग पोजीशन है उसके पास, वो इस रिलेशन में है कि वो डोमिनेट कर सकता है। लाइक क्योंकि वो वहाँ पे उसको सन एंड फादर वाला रिलेशन है, तो वहाँ पे ऐसा रिलेशन है जिस पे एक दूसरे पे बहुत ट्रस्ट होता है और वो एक दूसरे की बात मान भी जाते हैं इजीली थोड़ा समझाने पे, ठीक है। तो वो उस पोजीशन में है कि वो एक दूसरे की विल को डोमिनेट कर सकता है, ठीक है, सन एंड फादर का रिलेशन है। देन उसके बाद वो उस पोजीशन को क्या कर रहा है, अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहा है। उसको वो प्रॉपर्टी चाहिए इसलिए वो अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहा है, तो वो वहाँ पर अंडर इन्फ्लुएंस होता है। इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ द फॉरगोइंग प्रिंसिपल, अ पर्सन इज डीम्ड टू बी इन द पोजीशन टू डोमिनेट हिज विल ऑफ अनदर वेर ही होल्ड्स रियल एंड अपेंडेंट अथॉरिटी ओवर द अदर और वेर ही स्टैंड इन अ फिडुशियरी रिलेशनशिप टू द अदर। कि क्या हो सकता है, अब वो जो रिलेशन है वो क्या हो सकता है, रियल हो सकता है, अपेरेंट अथॉरिटी का हो सकता है या फिर फिडुशियरी रिलेशन हो सकता है। कि रियल रिलेशन बाय बर्थ बाय ब्लड हमारा उसका रिलेशन है, किसी अथॉरिटी से हमारा वो उसका रिलेशन है, फिड्यूशियरी रिलेशन कि मतलब लाइक मैरिज वाला हो गया, ठीक है, तो वो हमारे और लाइक डॉक्टर एंड पेशेंट का रिलेशन हो गया, टीचर एंड स्टूडेंट का रिलेशन हो गया, टीनेंट एंड रेंटर के रिलेशन हो गया, ठीक है। तो वो हमारा वहाँ पे ऐसे रिलेशन हमारे इसमें आते हैं, अंडर इन्फ्लुएंस में आते हैं। तो हमने पढ़ लिया। देन उसके बाद कैसे रिलेशन होते हैं, देयर इज अ प्रिजम्पशन ऑफ अंडर इन्फ्लुएंस इन द फॉलोइंग रिलेशन। कि ऐसे कुछ ऐसे रिलेशन हैं जिन पे हम मान लेते हैं कि वहाँ पे अंडू इन्फ्लुएंस हुई होगी, कि वहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज हम मान लेते हैं अंडू इन्फ्लुएंसेस की हो सकती है। कौन कौन सी है, पहली पेरेंट एंड चाइल्ड की, गार्जियन एंड वार्ड की, डॉक्टर एंड पेशेंट की, सोलिसिटर एंड क्लाइंट की, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी की, रिलीजियस एडवाइजर एंड डिसिपल की, फियांसे एंड फियांसी की। तो ये हमारे कुछ रिलेशन है जिन पे अंडू इन्फ्लुएंस के ज़्यादा हम मान लेते हैं कि हाँ इसमें अंडर इन्फ्लुएंस हो सकती है। फिर उसके बाद हमारे कुछ ऐसे रिलेशन जहाँ पे हम नहीं मानते कि वहाँ पे हमारी अंडर इन्फ्लुएंस हो सकती है, वो क्या है कि लैंडलॉर्ड टेनेंट, डेटर एंड क्रेडिटर, हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। द वाइफ हैज़ टू बी प्रदर्शनशील
फॉर सच प्रिजम्पशन इन दिस रिलेशन अंडर इन्फ्लुएंस हैज़ टू बी प्रूव्ड, कि यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा इन तीनों केसेस में, यहाँ पे उसको प्रूव करना पड़ेगा कि वो यहाँ पे अंडर इन्फ्लुएंस हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। बाकी इन केसेस में ज़्यादा प्रूफ नहीं करना पड़ेगा, बट इन केसेस में उसको प्रूफ करना, हस्बैंड एंड वाइफ वाले में उसको प्रूफ करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हस्बैंड एंड वाइफ में, कि यहाँ पे प्रूफ करना है कि उसके बाद कि उसके ऊपर अंडर इन्फ्लुएंस हुई है। गोइंग थ्रू द डेफिनेशन ऑफ अंडर इन्फ्लुएंस इन सेक्शन 16, वी डिफाइन टू एलिमेंट्स आर फाउंड। द रिलेशन सब्सिस्टिंग बिटवीन द पार्टी इज सच दैट वन पार्टी इज इन पोजिशन, हो गया ये कि अपने उस पोजीशन में है कि वो अंडर इन्फ्लुएंस कर सके, डोमिनेट कर सके एक दूसरे की विल पावर को, और उसको अपने वो अपने फ़ायदे के लिए बना रहा हो। लाइक एग्जांपल मैं दे रही हूँ कि कोई एक ए पार्टी है और बी पार्टी है, ठीक है। अब वो जो ए पार्टी है, ठीक है, बी पार्टी ए फादर है एंड बी सन है, ठीक है। अब ए फादर की एक कुछ एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि बी को पता है कि वो इन फ्यूचर में उस पर बहुत भरा मतलब बहुत प्रॉब्लम हो सकती है उस प्रॉपर्टी को लेके। तो जो बी ने बोला, बी ने वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा समझाया अपने पापा को कि पापा ये ज़मीन आप बेच दो, ठीक है। उसने ये नहीं बताया कि इस पर बहुत मतलब फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, ये उसने बताया नहीं, और उसने बिकवा दिया अपने फादर की वो प्रॉपर्टी को। तो वहाँ पे वो फादर क्या बोल रहा है कि इसने मुझे अंडर इन्फ्लुएंस किया, ठीक है, पर लॉ क्या बोलेगी, उसने अंडर इन्फ्लुएंस किया, उसने अंडर इन्फ्लुएंस में उसने डोमिनेट, दो फैक्टर हमारे ज़रूरी है, एक डोमिनेशन और एक अपने अनफेयर एडवांटेज। तो उसने डोमिनेट किया, उसकी विल को डोमिनेट किया, बट उसने अपने फ़ायदे के लिए नहीं किया, उसने क्या किया कि उसके पापा को वो प्रॉब्लम्स ना झेलनी पड़े, इसीलिए उसने वो जो ज़मीन है उसको बिकवा दी। तो वहाँ पे उसने अपने एडवांटेज के लिए नहीं किया, तो इसीलिए वहाँ पे वो अंडर इन्फ्लुएंस नहीं कहलाएगा। लाइक एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ दे रखे हैं, ए हैविंग एडवांस मनी टू हिज सन, बी ड्यूरिंग हिज इनमैरिटी अपॉन बीज कमिंग ऑफ एज ऑब्टेन्स बाय मिसयूज ऑफ पैरेंटल इन्फ्लुएंस ए बॉन्ड फ्रॉम बी फॉर अ ग्रेटर अमाउंट देन द सम ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस एडवांटेज ए एम्प्लॉयज अंडू इन्फ्लुएंस, कि ए ने कुछ मनी अपने बी को दी और जो जब वो माइनर था, अब बड़ा होने के बाद उसका पेरेंट इन्फ्लुएंस का मिसयूज़ करके जो होता है बी एक ग्रेटर अमाउंट का बॉन्ड उससे करवा लेता है, तो वो हमारा अंडर इन्फ्लुएंस है, ठीक है। एग्जांपल पढ़ लेना, समझ आ जाएगा। और फिर उसके बाद अंडर इन्फ्लुएंस का इफ़ेक्ट क्या होता है, सेक्शन 19 प्रोवाइड्स, सेक्शन 19 प्रोवाइड्स दैट वेन द कंसेंट इज कॉज्ड बाय अंडर इन्फ्लुएंस बाय द अग्रीमेंट इज वॉइड डेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज़ द कॉज्ड। तो वही है सेम चीज़ कि वॉइडेबल होता है किसकी ऑप्शन पे, जिसकी कंसेंट वहाँ पे अफेक्ट हो रही है, तो उसके ऑप्शन पे ये वॉइडेबल होता है। देन उसके बाद कोर्ट हैज़ discretion to direct the aggrieved party for giving back the benefit whether in whole or part or in part to set aside the contract without any direction for refund of benefit। दो कोर्ट क्या डायरेक्ट कर रही है aggrieved party को, जिस भी पार्टी को लॉस हुआ है वहाँ पे, कि उसने जो भी दूसरी पार्टी को बेनिफिट दिया है वो उसको रिफंड मिल जाए, कि होल में करे या फिर पार्टी में करे, पूरी रिफंड नहीं, चाहे वो थोड़ी करे या पूरी करे वो उसकी मर्ज़ी है, पर उसको थोड़े बेनिफिट्स तो देने पड़ेंगे, अग्रीव पार्टी को मिलने चाहिए थोड़े रिलीफ्स एंड बेनिफिट्स। इन केस फॉर अवॉइडिंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ इन्फ्लुएंस द प्लांटिव हैज़ टू प्रूव दैट अदर पार्टी वॉज इन अ पोजिशन टू डोमिनेट द विल, कि
वहाँ पे देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि कुछ रिलेशन में हमारी वहाँ पे इतना ज़्यादा, मैंने क्यों बोला कि इतना ज़्यादा हमें प्रूफ नहीं करना पड़ता, वहाँ पे थोड़ी प्रिजम्पशन होती है कि हाँ वहाँ पे मान जाते हैं लोग, इजीली कन्विंस हो जाते हैं कि वहाँ पे अंडर इन्फ्लुएंस हुआ होगा। बट बाकी जो तीन थे हमारे, टेनेंट वाले और लैंडर वाले और डेटर वाले और हस्बैंड एंड वाइफ वाले, तो इसमें हमारे ज़्यादा प्रूफ करना पड़ता है, ठीक है। तो हमारे क्या है, प्रूफ हमें दोनों में करना है, बट हमें कम या ज़्यादा वाली केसेस है वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, वही बोल रहा है, द प्लांटिव हैज़ टू प्रूफ दैट हिज कंसेंट वॉज कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। प्लांटिव को प्रूफ करना पड़ेगा।